दाखल शेष दिन एवं उपनिर्वाचन होगा गोटे आसन पर 26 तारीख रु नामांकन चारोटी सीट बीजेडी खाता को जीव एक प्रकार निश्चित होई हेले किए जीव दिल्ली से नहीं कार्ड खोलनी बीजेडी सबु निष्पत्ति नवीन निर्भर करुले भी तीन सीट रे महिला प्रतिनिधित्व सपक्ष में बीजेडी नेत्री राज्यसभा निर्वाचनी उष्मता मंगलवार दिन प्रकाश पाइब विधिबद्ध विज्ञप्ति आ सहित प्रार्थी दाखल करे प्रार्थीपत्र नामांकन शेष तारीख रही मे 31 जून 1 तारीख में प्रार्थीपत्र जांच हेबो एवं जून 3 तारीख होउछि प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन आ जून 10 रे हेबो राज्यसभा निर्वाचन प्रसन्न आचार्य सस्मित पात्र और एन भास्कर राव स्थान में निर्वाचित हेबे नुआ प्रतिनिधि सेहीपरि सुभाष सिंह स्थान में जून 13 रे हेबो उपनिर्वाचन निर्वाचन लागि रिटर्निंग अफिसर नियुक्ति सरथिबा बेले प्रशासनिक प्रस्तुति भी चूड़ांत होईछि 31 मे पर्यंत नॉमिनेशन फाइल हबो स्क्रूटनी 1 जून रे हबो विथड्रॉवल 3 जून रे हबो 10 जून रे पोल हबो आ से दिन ही काउंटिंग हबो 5टा बेले काउंटिंग हबो संख्या दृष्टि रु 4 रु 4 आसन बीजेडी खाता कु जीव आशायी संख्या बढ़ुले भी दिल्ली टिकेट नहीं कार्ड खोलू ना बीजेडी सुप्रीमो समीक्षकों मतरे 24 निर्वाचन थिबारु संगठन को सुहाइबा भली आंचलिकता और विभिन्न वर्गर प्रतिनिधि बाछबे नवीन टिकेट रेस रे अछंति सस्मित पात्र असित त्रिपाठी प्रदीप माझी मानस मंगराज और श्रीमयी मिश्र कम समय रे राज्यसभा रे पारदर्शिता देखाई नवीन गुडबुक अछंति सस्मित सेहीपरि डब्ल्यूओडीसी अध्यक्ष असित त्रिपाठी ना भी चर्चा होउछि सेहीपरि आदिवासी चेहरा भावे प्रदीप जाई पारंती दिल्ली दलर क्राइसिस मैनेजर भावे जनाशुना तथा तो सरकार को मीडिया परामर्शदाता मानस मंगराज को भी पुरस्कृत करिपारंती बीजेडी सुप्रीमो महिला कार्ड खेलिले श्रीमयी मिश्रों ना विचार को नहीं पारे दल सेपटे अनुभव पटनायक सुलोता देव भी अछंती दिल्ली रेस रे बीजेडी उपसभानेत्री उषा देवी कहिछंती मुख्यमंत्री सबुबेले महिला को प्राथमिकता देथिबारु एथर भी मिलिबो गुरुत्व एपरिकी 3 रु 3 महिला को दिल्ली पठाइबा सपक्ष रे भेटरान नेत्री जेहेतु आम दल सभापति सर्वोच्च स्थान रही दल ने सर्वाधिक क्षमता दिखाई प्रार्थी चयन करने से निष्पत्ति सी ने ठिकना समय अतीत आप जानते से ठिकना समय ठिकना निष्पत्ति से कौ हिसाब से देवे से चिंता कर दल अन्य नेता मान परामर्श कर मतब रखे गत किछि राज्यसभा निर्वाचन चित्र को देखिले सबु चर्चा और आकलन को भूल प्रमाणित करिछंती बीजेडी सुप्रीमो कम समय थिबारु दिने दुई दिन मध्यरे ना घोषणा नहीं चर्चा होतिबा बेले एथर भी किछि सरप्राइज दे पारंती नवीन भुवनेश्वर रु कैमरामैन आशीष दासंक सह अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया अधिक सूचना देवाई सीनियर करेस्पोंडेंट महेश प्रसाद नंद जोड़ी होती महेश आज राज्यसभा नामांकन किए जी अपर हाउस ताकू वर्तमान एक प्रकार कल्पना जल्पना लगी रही है जे दिने दुई दिन भितरे ना घोषणा एने चर्चा जोर धरी निहाती भाव में सुप्रीमो निष्पत्ति वर्तमान समस्त नजर रही महेश देखंतु आज तीन आसन पाई कि ये जो नामांकन दाखल प्रक्रिया आरंभ होछि एवं 10 तारीख रे वोट रही 31 तारीख होछि नामांकन दाखल शेष तारीख कारण ओडिशा रे जो तीन राज्यसभा आसन पाई कि जो नामांकन प्रक्रिया आज विधिवत भाव आरंभ होछि बीजेडी रो जो राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य एन भास्कर राव और डॉक्टर सस्मित पात्र कार्यकाल सरिया परे एक तीन आसन खाली पड़ा और निर्वाचन कमिशन सूचना अनुजाई मे 24 आज ही जो नामांकन प्रक्रिया आरंभ है मे 31 तारीख जाए चलो चलो जून 1 जेहेतु जून 1 तारीख नामांकन पत्र जांच रही भाव में जब आप कहे आ गोटे हूँ सुभाष सिंह जदि कुभाष सिंह खाली हो सुभाष सिंह कारण 1 तारीख जांच होगा थी जून 3 तारीख दिन नामांकन पत्र प्रत्याहार हो पार कारण सुभाष सिंह क्षेत्र में आसंता जो जून 10 तारीख में उपनिर्वाचन हवा सहित से दिन भोट है से दिन भोट गणति हे और जो सुभाष सिंह कथा जी कह सुभाष सिंह 21 तारीख में निज पदर इस्तीफा देते पद पद पूरण पाई कि 26 तारीख में नामांकन तारीख धार्य हो
तेणु नामांकन दाखल प्रक्रिया तारीख जून 2 तारीख धार्य होती है। जून 13 तारीख दिन चतुर्थ आसन पर भोट ग्रहण हो दिन भोट गणति भोट ग्रहण होदिन भोट गणति हो सुभाष बदल में जी निर्वाचित हो राज्यसभा को जी कार्यकाल 2026 मसीहा एप्रिल 2 तारीख पर्यंत रही जो चार आसन कथा जी कह कारण चार आसन ଖେଳି ନବୀନ ମହିଳା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯୁବକ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର କାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ କାରଣ 2024 ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସୁପ୍ରିମ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡଟି ଖେଳିପାରନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ 2024 ହଉଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାପକାଠି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ପଠେଇବେ କାରଣ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ କିଏ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସେ ନେଇକି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଚାରି ଆସନରେ ଶାସକ ଦଳ ହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତ କିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନାଁ ଘୋଷଣା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ମହେଶ।